हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केस स्टडी नंबर 22। बट उससे पहले मुझे एक दो बातें आपसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द नेक्स्ट चैप्टर फॉर विच आई एम टेकिंग द रिवीजन सेशन, इट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताने हैं इसमें, वो मैं आपको साथ साथ लर्न करवा दूंगी, डू नॉट वरी। उसके बाद एक चीज एफटीपी के रिगार्डिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस टाइम पे एफटीपी रिवाइज करने का एक ही तरीका आप अपनाओ, प्लीज रिवाइज द एफटीपी विद द क्वेश्चन बैंक ओनली। क्योंकि अगर इस टाइम पे आप एफटीपी को डिटेल में करने बैठेंगे तो आपका बाकी सारा छूट जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम 5 मार्क्स के लिए 95 मार्क्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि अभी जो क्वेरीज मेरे पास बहुत सारी आ रही हैं, एकदम से मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं आ रहा है सबको रिस्पॉन्ड करना, बट डू नॉट वरी, मैं 1 or 2 डेज में धीरे धीरे करके सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 22 विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बहुत सारे कंसेप्ट आपके इसमें टेस्ट होने वाले हैं, अच्छे से हम क्लियर करेंगे। अच्छे से अगर आप देखोगे ना विद द कंसेंट्रेशन, आपका डाउट नहीं आना चाहिए कोई भी। चलो देखते हैं इसको फटाफट से, है ना। मिस्टर महेश अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एंगेज्ड इन द टेक्सटाइल बिजनेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मिस्टर महेश क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है और गुजरात में बिजनेस है उनका टेक्सटाइल का। ही वॉन्ट्स टू सप्लाई द टेक्सटाइल विद द ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन। वो टेक्सटाइल को सप्लाई करना चाहते हैं विद द ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन। मिस्टर महेश जीएसटी में रजिस्टर्ड है जिनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। ही वॉन्ट्स टू सप्लाई द टेक्सटाइल विद द ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन। सो ही अवेल द डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम द मिस्टर मनोज। उन्होंने डिजाइनिंग सर्विस कहां से ली, मिस्टर मनोज से, ग्रैंड फादर ऑफ मिस्टर महेश इन द साउथ अफ्रीका विदाउट एनी कंसिडरेशन। इस लाइन पे आ जाओ, इन्होंने क्या किया, डिजाइनिंग सर्विसेज मिस्टर मनोज से लेनी चाहिए, मिस्टर मनोज से एक्चुअल में ली, जो कि ग्रैंड फादर है। अब यहाँ पे हमें टेस्ट करना होगा पहले तो, क्या ये रिलेटिव है या ये रिलेटिव नहीं है, क्योंकि अगर रिलेटिव हुए, रिलेटेड पर्सन हुए तो रूल 28 में जाना पड़ेगा। सेकंड, विदाउट कंसिडरेशन है तो हमें देखना पड़ेगा क्या शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी। चलो दोनों चीजों को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव टेस्ट करते हैं। अब आपको क्या इतनी बात याद है, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर, ये तीन तब रिलेटिव बनेंगे जब ये डिपेंडेंट होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर्स तब रिलेटिव बनेंगे जब ये डिपेंडेंट होंगे। मिस्टर मनोज ग्रैंडफादर हैं, अभी डिपेंडेंसी की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। उसके बाद विदाउट एनी कंसिडरेशन है, अगर ये रिलेटिव हुए तो ये शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा और ये सप्लाई बन जाएगा। इन केस ये रिलेटिव नहीं हुए तो दूसरी बात, ये सप्लाई ही नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी 7-1A, 7-1B के अकॉर्डिंग सप्लाई बनाने के लिए हमें कंसिडरेशन जरूरी है। 7-1A और 7-1B के अकॉर्डिंग सप्लाई बनाने के लिए कंसिडरेशन जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, विदाउट कंसिडरेशन है ये शेड्यूल 1 हम जाएंगे सीधा। शेड्यूल 1 में भी तब सप्लाई बनेगी जब ये रिलेटिव होंगे। रिलेटिव कब होंगे, जब ग्रैंड पेरेंट डिपेंडेंट होंगे, आपस इन पे डिपेंड होंगे तभी रिलेटिव होंगे। अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये 7-1A और 7-1B में भी, 7-1A और 7-1B के अकॉर्डिंग तो कोई भी चीज तब सप्लाई बनती है जब उसके अंदर कंसिडरेशन होता है। तो अगर ये डिपेंडेंट हुए तो शेड्यूल 1 काम आ जाएगा, अगर ये डिपेंडेंट नहीं हुए तो ये सप्लाई ही नहीं बनेगी। यहां पर बात हुई मिस्टर मनोज की। नेक्स्ट आ जाओ, इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, मिस्टर महेश ने आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली है, किससे, मिस्टर मुरली से आर्किटेक्ट की सर्विस ली है लंदन में। ये भी है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहां पे कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 की तो बात ही नहीं आ रही। इनकेस ये रिलेटिव हुए तो रूल 28, इनकेस ये रिलेटिव नहीं हुए तो सीधा 2 लाख वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 2 लाख वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दिस केस। बट अब आपको ये बात याद होनी चाहिए, मैंने आपको 7-1-B करवाते हुए बताया था, इन केस इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर कंसिडरेशन, एक तो हो सकता है पर्सनल पर्पस के लिए, एक हो सकता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। 7-1-B सिर्फ इतना बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई है। बट एग्जम्पशन चैप्टर में क्या बोला गया, इन केस वो पर्सनल पर्पस के लिए ली गई है तो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, अगर वो बिजनेस के लिए गई है तो वो टैक्सेबल सप्लाई है। यहां पे देखो क्या है,
पर्सनल पर्पस के लिए ली गई है, तो ये क्या हुई? एग्जेम्प्टेड सप्लाई हुई। सप्लाई तो हुई बट एग्जेम्प्टेड सप्लाई हुई। सप्लाई बनी एज पर सेक्शन 71B बट एग्जेम्प्टेड बनी ड्यू टू एग्जेम्प्शन गिवन इन द एग्जेम्प्शन चैप्टर। उसके बाद मिस्टर मनोज इज वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रीलांस टेक्सटाइल डिजाइनर। पहली बात, ऊपर वाले क्या है? डिपेंडेंट नहीं है, तो सीधा सीधा ये सप्लाई के दायरे से बाहर, सीधा सीधा सप्लाई के दायरे से बाहर हो गया। मनोज इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड डिजाइनर हो गए इन साउथ अफ्रीका। एंड मिस्टर मुरली क्या है? आर्किटेक्ट है, विच इज हाई रेप्यूटेड रेप्यूटेशन इन द हाई रेप्यूटेड है वो इन लंदन। मतलब ये भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये तो पर्सनल सप्लाई हो गई, वो सप्लाई ही नहीं हुई। उसके बाद चलिए, ये पैराग्राफ से सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। फिर चलो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एज पर द ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन। गुड्स को ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन के हिसाब से प्रोड्यूस करने के लिए ही नीड्स टू परचेज एंड इंस्टॉल एन ऑटोमेटिक zigzag इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन। ही नीड, उसको क्या परचेज करना पड़ेगा? ही हैव टू परचेज द ऑटोमेटिक zigzag मशीन। ही हैव टू परचेज ऑन थर्ड में, उसने क्या करा? परचेज ऑर्डर लगाया। ऑन थर्ड ऑफ द मे ही मेड द परचेज ऑर्डर विद द कुशा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आंध्रा में रजिस्टर्ड है। विद द कुशा प्राइवेट लिमिटेड हु इज रजिस्टर्ड इन द आंध्रा प्रदेश फॉर द अमाउंट ऑफ 2 crore rupees। प्लीज वन सेकेंड, उसके बाद द रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन वेरियस डेट्स हमें गिवन है। रेट्स ऑफ जीएसटी हमें वेरियस डेट गिवन है। ये मुझे लग रहा है टाइम और सप्लाई का क्वेश्चन होने वाला है, साफ साफ हमें पता चल ही रहा है। अब लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कब होगी? जब ऑब्वियस सी बात है, जब इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये गुड्स का केस है, गुड्स के केस में क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। सॉरी, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे पेमेंट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं आता। इन द केस ऑफ गुड्स वी डू नॉट टेक एडवांसेस ऑन द जीएसटी ऑन द एडवांसेस बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। तो सिंपल सी बात, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। तो कितना जाएगा? 6th of June। फिर पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ बोला, एक बार देख लेते हैं। पेमेंट बुक्स में कब एंटर हुई है? पेमेंट बुक्स में एंटर हुई है 31 जुलाई को। पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स विद ऑन द 31 जुलाई एंड क्रेडिटेड 9th of August। उसके बाद द रेट हैज बीन चेंज फ्रॉम 18 to 28। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द रेट, सेक्शन 14 वुड बी अप्लाई इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 14 वुड बी अप्लाई इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अब किस किस को ये पॉइंट्स याद है? टाइम ऑफ सप्लाई के केस में, इन केस मान लो यहां पे हो रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, बट जो पेमेंट है, पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 4 days। आफ्टर 4 days अगर हो रहा है, रेट चेंज के 4 days में देखना है। 4 days कहां से देखने हैं? फ्रॉम द चेंज ऑफ द रेट। रेट चेंज कब हुआ? 1st August से। अगर आफ्टर 4 days एंट्री हो रही है तो क्या होगा? पेमेंट वाली डेट क्या मानी जाएगी? पेमेंट वाली डेट वुड बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बैंक अकाउंट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रेट इज गोइंग टू चेंज ऑन द 1st August बट द एंट्री इन द बैंक वुड बी ऑन 9th August विच इज आफ्टर 4 days। तो डेट ऑफ पेमेंट वुड बी द 9th August। डेट ऑफ पेमेंट वुड बी द 9th August। अर्लियर वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट वुड बी द 9th August इन केस इट इज क्रेडिटिंग इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 4 days। इट इज क्रेडिटिंग इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 4 days। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी? 9th of August हो जाएगी। 9th of August हो जाएगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड मिस्टर महेश इंटेंड्स टू प्रोवाइड द एंसिलरी सर्विसेज रिलेटिंग टू द टेक्सटाइल। एंसिलरी सर्विस वो देना चाह रहा है, लाइक डाइंग एंड डिजाइनिंग,
ऑल्सो इंटेंड्स टू अवेल द कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम वो अवेल करना चाह रहा है, द डिटेल्स ऑफ द टर्न ओवर नेक्स्ट ईयर से लेना चाह रहा है, तो एग्रीगेट टर्नओवर इस ईयर की चेक होगी, वाई सो बिकॉज नेक्स्ट ईयर के लिए दिस ईयर वुड बी द प्रीसीडिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए दिस ईयर वुड बी द प्रीसीडिंग ईयर। फिर क्या बोल रहा है उसने, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है कंपोजिशन ऑप्ट करने के लिए। अब क्या इन्फॉर्मेशन है देखो, करंट ईयर का डाटा हम चेक करेंगे, 55 लाख का टैक्सेबल सप्लाई, 45 लाख एग्जम्प्टेड सप्लाई आईजीएसटी हो, ये बात किस किस के ध्यान में आ गई, कंपोजिशन यू कैन अवेल ओनली व्हेन यू आर सप्लाइंग इन द इंट्रा स्टेट ओनली, व्हेन एवर यू आर सप्लाइंग इंटर स्टेट यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए तो एलिजिबल ही नहीं हुआ क्योंकि आईजीएसटी लगा रहा है आउटवर्ड सप्लाई पे, ध्यान रखना इनवर्ड सप्लाई कैन बी द इंटर स्टेट बट यू हैव टू आउटवर्ड सप्लाई इन द इंट्रा स्टेट ओनली। चलिए उसके बाद चलते हैं क्या कह रहा है, ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे मिस्टर महेश रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स फॉर एन अमाउंट ऑफ 10 लाख फ्रॉम एक्स वाई जेड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। कल ही हमने टीडीएस का चैप्टर पढ़ा है, जब भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 2,50,000 रुपीज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो वहां पे टीडीएस के प्रोविजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर सप्लायर कौन है, सप्लायर है मिस्टर महेश, रिसिपियंट कौन है एक्स वाई जेड लिमिटेड विच इज अ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, दिल्ली में, और ये कहां पे था मिस्टर महेश, कहां पे थे एक बार चेक कर लेते हैं, गुजरात में, मिस्टर महेश कहां पर थे, गुजरात में थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, इट इंटेंड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी इन द पोरबंदर गुजरात, ये बर्थ एनिवर्सरी कहां पे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, गुजरात में, तो इन्होंने बोला गुड्स की डिलीवरी करवा दो, गुड्स की डिलीवरी करा दो डायरेक्टली पोरबंदर पे। अब आपको याद आना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, व्हेन वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेटेड, तो टर्मिनेट तो पोरबंदर में होगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, गुजरात हो गया। अब कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था, टीडीएस नहीं काटा जाएगा व्हेन एवर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन वन स्टेट बट रिसिपियंट इज इन अनदर स्टेट, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन वन स्टेट बट रिसिपियंट इज इन अनदर स्टेट, तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये चार्ज करेगा ड्यू टू इन द सेम स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी, और ये चार्ज नहीं कर, इसको आईजीएसटी चाहिए होगा क्योंकि दूसरी स्टेट में है, तो कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस कटेगा ही नहीं, ध्यान रखना पूरा का पूरा कंसेप्ट जो कल था, आई हैव मेक यू रिवाइज टीडीएस टीसीएस, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच द लेक्चर, आई थिंक 23-24 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट जीएसटी लर्न करवा दिया है, यू कैन गो एंड वॉच इट। चलिए उसके बाद क्या बोला गया, अब डायरेक्ट आ गए क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं हम, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर महेश, सॉरी सर्विसेज इंपोर्टेड बाय मिस्टर महेश, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज सप्लाई, ध्यान रखना मिस्टर महेश ने जो ली थी मिस्टर मनोज से, वो तो सप्लाई ही नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है, सप्लाई की बात कर रहा है। अब मिस्टर मुरली वाली सप्लाई तो बनी बट टैक्सेबल सप्लाई नहीं बनी, ध्यान रखना यहाँ क्या पूछा है, वो पूछा है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई कौन सी है, तो मिस्टर मनोज, अरे छोड़ दो ये तो, मिस्टर मुरली वाली सप्लाई बनेगी, आर्किटेक्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मुरली ऑफ लंदन, बोथ द डिजाइनिंग सर्विसेज एंड आर्किटेक्ट सर्विस, नहीं बोथ नहीं बनेंगी, नीदर नहीं, बी पॉइंट, जो हमने आर्किटेक्ट सर्विस ली है मुरली फ्रॉम मिस्टर मुरली से फ्रॉम लंदन ली है, दैट वुड बी द सप्लाई बट इट इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई। आई होप यू आर लर्निंग द पॉइंट्स वेयर यू आर लैकिंग इन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्लीज लर्न इट, इसके बाद टाइम नहीं है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22nd क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या निकाली थी हमने, 9th ऑफ अगस्त, डेट ऑफ पेमेंट निकाली थी 9th ऑफ अगस्त, एंड टाइम ऑफ सप्लाई निकाला था 6th जून, डेट ऑफ पेमेंट निकाली थी 9th अगस्त, टाइम ऑफ सप्लाई निकाला था
6 जून। एक बार आंसर हम साथ साथ मैच कर लेते हैं सो दैट कोई भी बी एंड देन बी 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 है बोथ का आंसर। यस बी बी इज द आंसर फॉर बोथ पॉइंट्स। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, वेदर मिस्टर महेश विल बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। क्या वो कॉम्पोजिशन ले पाएगा, क्या वो कॉम्पोजिशन ले पाएगा। इफ इज एलिजिबल देन वट इज द परमिजिबल लिमिट फॉर हिम टू सप्लाई ऑफ सर्विस। नो 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 नॉट एलिजिबल, एलिजिबल हटा दो, एलिजिबल हटा दो। नॉट एलिजिबल बिकॉज ही इज सप्लाइंग द इंटर स्टेट, नॉट बिकॉज ही इज सप्लाइंग द इंटर स्टेट। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज स्पेसिफाई द एप्लीकेबल रेट ऑफ 51। जिन जिन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होता वो क्या करते, सीधा 1% लगा के आ जाते सीजीएसटी के अकॉर्डिंग। नहीं, यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्चुअली आपका टेस्ट होगा वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा निल। एप्लीकेबल ही नहीं है तो रेट क्या हो जाएगा, निल। ध्यान रखना अगर वो पूछता एज पर लो तो आप 1% रेट लगाते, बट उसने पूछा है इन द गिवन केस, जो ऊपर हमें केस गिवन है उसके रिगार्डिंग पूछा है, उसके रिगार्डिंग निल रेट हो जाएगा बिकॉज TDS इज नॉट एप्लीकेबल इन द गिवन केस। यहाँ पे फिनिश हुई हमारी केस स्टडी नंबर 22। आई होप यू ऑल एंजॉइंग द केस सिनेरियोस। इफ यू आर रियली एंजॉइंग इट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बिकॉज मैं बहुत सारे लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ। अगर आपको कुछ और भी चाहिए स्पेसिफिकली तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगी। आई थिंक वैल्यू ऑफ सप्लाई की बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज भी आ रही हैं तो मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई लेने वाली हूँ। आई एम मेकिंग यू द प्रोमिस, अगर मैं चैप्टर लेकर आ रही हूँ तो आपको लर्न एंड क्लैरिटी देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहे कम चैप्टर लेकर आऊंगी बट आई वुड प्रोमिस यू कि मैं इफ चैप्टर लेकर आ रही हूँ देन यू आर गोइंग टू थोरो विद दैट चैप्टर सेम लाइक एज केस सिनेरियोस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड। इट इज अ टाइम स्टिल यू कैन डू इट। अगर आपने अभी भी नहीं किया है आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम यू कैन डू इट। देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन इन 10 days, 7 days, जस्ट यू हैव टू फोकस डेडिकेटेडली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।